नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट में आपके यूपी टेट आंसर की 2018 प्राथमिक स्तर की टेट में सभी को एक एक नंबर मिलना तय हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक जिसने हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी का चिन्ह है इसको भी दबा लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट आंसर की 2018 उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट 2018 की संशोधित उत्तरमाला 30 नवंबर को जारी होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के प्रश्नों पर मिली तकरीबन 4000 आपत्तियों के निस्तारण के लिए विशेष विशेषज्ञों की समिति से रिपोर्ट मांगी है। अभ्यर्थियों के दावे को की माने तो प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कम से कम एक एक नंबर सभी को समान रूप से मिलना तय है। दरअसल कक्षा 1 से 5 तक के प्रश्न पत्र में एक सवाल ऐसा है जिससे 4 में से कोई भी विकल्प नहीं है। सभी विकल्प गलत होने की स्थिति में सभी को एक एक नंबर मिलते हैं, चाहे किसी की अभ्यर्थी के उस प्रश्न को हल करने की कोशिश ही क्यों ना की हो। तो इस तरीके से उसको एक एक नंबर मिलना तय हुआ है, इसका निस्तारण है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।